तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों, कॉकरोचेस जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं। यहाँ पर दोनों ही मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। सबसे पहले हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आती है टेस्टिस, फिर यहाँ से अराइज होती है वास डेफरेंस, ये यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल्स प्रेजेंट हैं। बच्चों, ये है इजैक्युलेटरी डक्ट, ये है फैलिक ग्लैंड, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है राइट फैलोमियर, ये यहाँ पे वेंट्रल फैलोमियर प्रेजेंट होता है, ये है लेफ्ट फैलोमियर, ये है कुछ स्मॉल ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर प्रेजेंट है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, इसे हम कहते हैं सूडो पेनिस, ये यहाँ पर प्रेजेंट है टिटिलेटर, और बच्चों ये यहाँ पे दिखाया है कॉडल स्टाइल। बच्चों ये है एनल सर्कस। ये बच्चों हमने यहाँ पे अभी जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे हैं, जान लेते हैं उनके फंक्शंस क्या रहते हैं। बच्चों जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्स और सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, और ये एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें तो वो होता है फैलोमियर, या फिर उसको हम मेल गोनापोफाइसिस भी कहते हैं। ये बेसिकली काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गोनोपोर को सराउंड करके रखता है। फिर यहाँ बताया है सेमिनल वेसाइकल के बारे में, ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते। सूडो पेनिस जो हमने देखा था उसका काम क्या होता है कि ये मेल और फीमेल को लॉक करके रखता है कॉपुलेशन के टाइम पे। एनल सर्कस जो होता है वो एक्ट करता है एक सेंस ऑर्गन की तरह जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है। जो टिटिलेटर हमने देखा था वो ये इंश्योर करता है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाएं। बच्चों चलिए अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपके सामने ओवरी दिखाई है, ये वहां से अराइज होती है ओविडक्ट। बच्चों ये है कॉमन ओविडक्ट, या फिर जिसे हम वेजाइना कहते हैं, इसे हम कहते हैं जेनाइटल चैम्बर, ये है स्पर्माथीका, इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलम, और ये दोनों मिलके बनाते हैं जेनाइटल पाउच। बच्चों ये स्ट्रक्चर होता है गोनापोफाइसिस, ये जो यहाँ पर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये होते हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स। चलिए जानते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो जो लार्ज ओवरीज होती हैं वो एक पैर होती हैं, और ये लेटरली लाई करती हैं सेकेंड से लेके सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। ओवरी जो होती है वो ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, या फिर जिन्हें हम ओवेरियोल्स भी कहते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। बच्चों स्पर्माथीका की जो हमने बात की थी वो प्रेजेंट होता है सिक्स्थ सेगमेंट में, और ये ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है उसे हम कहते हैं ऊथीका, और ये एनकेज्ड रहते हैं कैप्सूल्स में। ये बेसिकली डार्क रेडिश से लेके ब्लैकिश ब्राउन कलर के कैप्सूल्स होते हैं जिनकी लेंथ अराउंड 8 मिलीमीटर तक होती है। फीमेल्स जो हैं 9 से लेके 10 ऊथीके प्रोड्यूस करते हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं 14 से लेके 16 एग्स। बच्चों पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का जो डेवलपमेंट होता है वो पोरोमेटाबोलस होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो निम्फल स्टेज के थ्रू होता है, यानी कि यहाँ पे निम्फ स्टेज इन्वॉल्व रहती है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू, और फर्टिलाइज्ड एग जो है यहाँ पर दिखाया है ये रेडिश ब्राउन कैप्सूल जिसे हमने अभी देखा था, उसे कहते हैं ऊथीका। ये यहाँ पे लेंथ दिखाई है ऊथीका की, और इन्हें ड्रॉप किया जाता है सूटेबल प्लेसेस पे, या फिर वहाँ पर ग्लू किया जाता है, चिपका दिया जाता है, और ये जो प्लेसेस होती हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होती है वो कंपैरेटिवली हाई रहती है। लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम। ये आपके सामने एडल्ट कॉकरोच दिखाया है जहाँ पर विंग्स प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पर रिलीज़ करते हैं एग्स जो कि कैप्सूल के अंदर रिलीज़ होते हैं।
फिर यहाँ से फॉर्म होती है निम्फ स्टेज, जिनके अंदर कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये निम्फ जो हैं वो मोल्टिंग प्रोसेस में जाते हैं अराउंड 13 times और फिर ग्रो करके एडल्ट को फॉर्म करते हैं। बच्चों जो कॉकरोच होते हैं उनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अभी तक देखा नहीं गया है, और ये बेसिकली मैनकाइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये हमारे फूड आइटम्स को अपने एक्सक्रीटा से कंटामिनेट करते हैं और ये कई तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ को भी ट्रांसमिट करते हैं।